अध्याय तीन, ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर। हमारे दैनिक जीवन में गर्म ठंडा जैसे शब्द बहुत महत्व रखते हैं। हमारे वातावरण का तापमान ऐसा होना चाहिए जिसमें हम हमारे कार्य आराम से कर पाएं। खाने को सड़ने से बचाने के लिए वातावरण ठंडा होना चाहिए, जबकि खाना पकाने के लिए गर्म। गर्मी के दिनों में हमें पंखा चलाना पड़ता है, जबकि सर्दी के दिनों में कंबल ओढ़ना पड़ता है। चाय हमेशा गर्म पसंद आती है, जबकि शरबत ठंडा। अर्थात तापमान व ऊष्मा की मात्रा को नियंत्रित रखना हमारी कई आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। 3.1, कितना गर्म कितना ठंडा। गर्म और ठंडा, क्या केवल ये दो शब्द किसी वस्तु का तापमान बताने के लिए पर्याप्त हैं? गुनगुने पानी को छूने पर आप उसे क्या मानेंगे? गर्म पानी की तुलना में वह ठंडा है, किंतु ठंडे पानी की तुलना में गर्म। गर्म दूध को थोड़े देर के लिए कमरे में खुला रख देने पर आप कहेंगे कि वह ठंडा हो गया, लेकिन क्या वह वाकई में फ्रिज से निकाले हुए दूध के समान ठंडा है? अर्थात केवल छूकर, महसूस कर या देखकर ही यह बताया नहीं जा सकता कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तापमान के प्रति हमारी संवेदनशीलता भरोसेमंद न होने के साथ साथ बहुत सीमित भी है। खासकर आजकल के व्यवहारिक और वैज्ञानिक कार्यों के लिए, जैसे उबलते पानी को छूकर तापमान कोई बताना नहीं चाहेगा। सामान्यतः हम तापमान की व्याख्या तुलनात्मक रूप से करते हैं, परंतु ऊपर दिए गए कारणों के चलते समय के साथ साथ हमें कुछ ऐसे तरीकों और उपकरणों की आवश्यकता पड़ी जिससे हम वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है इसका सही, सटीक एवं वस्तुपरक मापन कर सकें। 3.1.1, तापमान, टेम्परेचर। हम जानते हैं कि गर्म वस्तु ठंडी व ठंडी वस्तु गर्म हो सकती है या की जा सकती है। क्या आप अपने दैनिक जीवन में होने वाले ऐसे कुछ उदाहरण बता सकते हैं? आपस में चर्चा करें। दिए गए चित्र का अध्ययन करके बताएं कि क्या गर्म और ठंडा अलग अलग वर्ग हैं? जैसा कि आपने चित्र एक में देखा, गर्म और ठंडा अलग अलग वर्ग नहीं हैं। ये दोनों एक ही मापक के दो मूल्य यानी कि वैल्यू हैं, एक छोटा तो दूसरा बड़ा। हम यह भी कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं गर्म होती हैं, कुछ कम गर्म तो दूसरी अधिक गर्म। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि सभी वस्तुएं ठंडी होती हैं, कुछ कम ठंडी तो कुछ अधिक ठंडी। गर्माहट अथवा ठंडक के वस्तुपरक मापन को इस स्तर का तापमान कहा जाता है, और इसका मान प्रत्येक वस्तु के लिए अलग हो सकता है। जब हम दो वस्तुओं के तापमान का अध्ययन करते हैं तो गर्म वस्तु वह कहलाती है जिसका तापमान दूसरी वस्तु की तुलना में अधिक हो। कम तापमान वाली वस्तु ठंडी वस्तु कहलाती है। तापमान इसी का तुलनात्मक परीक्षण है। 3.1.2, तापमान कैसे मापें। किसी भी वस्तु का तापमान मापक के लिए हमें केवल इन बातों की आवश्यकता होती है। पहला, पदार्थों का एक ऐसा गुण जो तापमान पर निर्भर हो और जिसका तापमान के साथ परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो। दूसरा, इस गुण के परिवर्तन को समरूप दर्शाने वाला एक पदार्थ। तीसरा, और एक सर्वमान्य व प्रचलित मापदंड की जो इस गुण के एक निश्चित बदलाव को तापमान के एक निश्चित घट बढ़ से जोड़ता हो। यदि आपके पास ये तीन बातों वाला पदार्थ यथा पारा, हवा, पानी उपलब्ध हो तो आप भी अपना तापमापी यंत्र स्वयं बना सकते हैं। तापमापी यंत्र का प्रयोग प्रयोगशालाओं में, डॉक्टरों द्वारा मरीज का ताप मापने में एवं मौसम विभाग आदि में किया जाता है।